बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें हमको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। मैं आपको वो तरीका ही बताऊंगा, और अभी पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो देखो, पहले तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बुकिश तरीका बताऊँगा जैसा आपके एग्ज़ाम्पल में दिया है। तो आप दोनों से जो चाहे वो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, वेयर क्यू इज़ सम इंटीजर। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमको कुछ समझ में नहीं आता, पर ये क्या कहना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक नंबर ए है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी वीडियो नंबर 2 में, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो ये जो हमारा आर होता है ना, इस आर की वैल्यू इस वाले जो बी है, जो डिवाइज़र है, उससे छोटी होती है। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइज़र से छोटी होती है, और किसके बराबर या बड़ी होती है किससे, तो ज़ीरो से। तो आर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, या फिर बी से छोटी होगी। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, बी इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे ही निकालते हैं ए की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं डिवाइड करना है 6 से, किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा आएगा। तो अब बताइए मुझे इस आर की वैल्यू क्या होगी, तो इस आर की वैल्यू इस 6 से छोटी होगी, ठीक है, अब भी हमने देखा था। और बड़ी किससे होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूँगा भाई ज़ीरो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूँगा ए डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वस टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मुझे पता है आर सिर्फ इतने ही हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखना, ए इक्वस टू क्या है भाई मेरे पास, 6Q+R, ठीक है। तो रख दो भाई आर की वैल्यू, ज़ीरो रखो पहले, तो 6Q+0, 1 रखिए, 6Q+1, 2 रखिए, 6Q+2, आर की वैल्यू मैं चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5, देखो यही हो सकती है ए की वैल्यू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस वाले स्टेप में, ठीक है, क्यू की वैल्यू आप अपने मन से ले लो, क्या ले लो, लेट क्यू इक्वस टू 1, आप अपने मन से कोई वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, जो आपके मन में आए। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 रखूँ, तो आप खुद देखो 6 × 1, 6 बन जा 6, 6+0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, 6, यहाँ 1 रखेंगे तो 6 × 1, 6, 6+1, 7, यहाँ 1 रखोगे तो 6 × 1, 6+2, 8, यहाँ 1 रखोगे, 6 बन जा 6+3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, 6 × 1, 6+4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 6 × 1+5, तो देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, भाई क्वेश्चन क्या पूछा ना, उनको क्या चाहिए, उनको ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर कब कब आ रहा है, 6 तो इवन है भाई, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है, यही हमारे नंबर ऑड हैं, ठीक। अगर ये ऑड नंबर हैं, आप खुद देखो कि यहाँ पे ऑड कब कब आएगा, मतलब जब 6Q+1 वैल्यू होगी, जब 6Q+3 वैल्यू होगी, और जब 6Q+5 वैल्यू, क्योंकि इन्हीं पर रखने पर तो ऑड मिला है, आया समझ में। तो बस इसके बाद एक सिंपल सी लाइन लिख देनी है, क्या वो लाइन ये है भाई, क्या लिख देना है, देखो, फॉर
और ये लाइन भी आपको याद नहीं रखनी, ये भी मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगा, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की किसी वैल्यू के लिए, वेयर क्यू, अब देखो अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन में, देखो लिखा है ना वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन पे जाओ, क्या लिखा है, दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+6q+5, बस ये चीज लिख दो, ठीक है। ठीक है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ये आपको अपने क्वेश्चन से ही देख के लिखना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, बस। तो यहाँ पर लिख देना, सो लिख देना, बस यही हमारा आंसर है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर देना है, पहले वाला स्टेप करना, फिर वाला स्टेप करना, ये स्टेप करना, और यहाँ पे ये इतना कर देना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए, भाई स्क्वायर निकालना है, ऑड निकालना है, इवन निकालना है, तो आप वहाँ पर ये वाले स्टेप बताना कि ये वाले स्टेप इतने होंगे, आर की वैल्यू क्या क्या होगी, वैल्यू पुट कर देना, ख़त्म, ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होने के बाद अब हम किस में आएंगे, इसी क्वेश्चन को हम बुकेस फॉर्म में करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने जो पढ़ा वो हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए किया, आप वैसा भी कर सकते हो, और अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आपका बुकेस फॉर्म है, जैसा आपके बुक के एग्जांपल्स में दिया है, तो ये करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास एक नंबर है ए, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो भाई ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए डिविडेंड है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही निकलेगी। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू इस डिवाइजर से छोटी होगी, मतलब 6 से छोटी होगी, और किसके इक्वल होती है, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, ज़ीरो के, ठीक है। अच्छा, ये बात हमको पता है, ये बात हमको कैसे पता है, तो यहाँ देखना, अब हम इस चीज़ को लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर बी इक्वस टू 6, और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 6। अब आप पूछोगे बी की वैल्यू 6 क्यों ली, तो 6 हमने इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ में क्या है, 6 है, वही आपको हमेशा लेना है। अगर यहाँ पर 3 क्यू होता तो हम बी की वैल्यू 3 लेते, 5 क्यू होता तो हम बी की वैल्यू 5 लेते, तो क्यू की जगह पर भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल जो भी उसके साथ जो रहे वो आप ले लेना। अब ये हमने कहाँ से सीखा है, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो ये हमने यूक्लिड्स एल्गोरिदम से सीखा है ना, ठीक है। तो हमारे रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, सो आवर रिमाइंडर्स आर, तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड क्या होगा, 5, ये हमारे रिमाइंडर्स होंगे। इतना क्लियर हुआ आपको, अब मैं भाई वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखिए दैट इज ए कैन बी, ए क्या क्या हो सकता है, 6q+0 हो सकता है, और 6q+1 हो सकता है, और 6q+2 हो सकता है, और 6q+3 हो सकता है, और 6q+4 हो सकता है, और 6q+5 हो सकता है। तो हमारे रिमाइंड, हमारे जो ए की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5।
अब क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ तक आपको हर इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, ठीक है, जो भी रिमाइंडर दिया हो उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब देखो, उन्होंने बोला है उनको क्या चाहिए, ऑड चाहिए। ऑड क्या हो सकते हैं भाई, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। तो मैंने कहा अगर आपको ऑड चाहिए तो हमें पता है इवन नंबर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये 6Q है, क्या है 6Q, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 6³ + 2 है तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6³ + 4 है क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से डिवाइड कट हो जाएंगे, क्यों, ये 3Q आ जाएगा, 2 3 6। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 3Q + 1, तो ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3Q + 2, तो ये भी 2 से कट हो जाएगा। तो ये इवन है, क्यों इवन है, इसलिए इवन है क्योंकि ये 2 से कट जा रहे हैं। तो हम बोल देंगे बस सिंपल सा एक स्टेप लिखना है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए, हाउएवर ए इज ऑड सो ए कैन नॉट बी 6Q, 6Q + 2, 6Q + 4। तो हमारा जो ए है वो ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये किससे डिविजिबल हैं, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, अब भी देखा हमने, तो ये तो इवन होंगे। तो अब बचे क्या, अब लिख दो भाई, जो ऑड बचे वो लिख दो। देयरफोर आंसर लिखेंगे हम अपना, आंसर क्या जाएगा हमारा, देखिए, देयरफोर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। बस इतना कर देना है, तो इससे हमको ये पता चल गया क्योंकि ये तो इवन है, क्यों इवन है, क्योंकि 2 से डिविजल है, तो बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, ऑड होंगे। तो ये चीज़ हमने बता दी उनको। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको क्लियर कर दूंगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा।